विकलांग आदमी हूँ जी। मैंने जूता इसलिए फेंका क्योंकि विकलांग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं जी। ये सरकार ना बस खाली जुमलाबादी की सरकार है जी। आजकल भाजपा की इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते। जहां देखो वहां मार मार कर भाजपा को भगाया जा रहा है। इसी के दौरान करनाल में अमित शाह के भाषण के दौरान कुरुक्षेत्र के नलवी गांव के रविंद्र सिंह ने अपना जूता मुख्य स्टेज की तरफ फेंका। जूता स्टेज से पहले बनी डी में जा गिरा। जूता फेंकने वाला रविंद्र सिंह दिव्यांग है जो अपनी विकलांग पेंशन कटने से नाराज थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनकी 2 साल तक की पेंशन नहीं मिली, इसलिए उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए अपनी बीवी के गहने तक बेचने पड़े। उन्होंने अपना नाम रविंद्र सिंह और पता शाहबाद के गांव नलवी का निवासी बताया। उन्होंने सरकार पर दिव्यांगों को जलील करने का आरोप भी लगाया। व्यक्ति को पहले पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें छोड़ दिया। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने विकलांग पेंशन न मिलने की वजह से इतना कुछ करा। अमित शाह की रैली में स्टेज की तरफ आप पार्टी के कार्यकर्ता ने जूता फेंका था। अमित शाह के भाषण के दौरान फेंका जूता जो कि उन्हें डी में जा गिरा। पेंशन बनवाने को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए जूता उन्हें मारने के बजाय ही फेंका गया था और फिर उन्हें हिरासत में लिया जो रविंद्र सिंह था और फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।